नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा 9वीं की समकालीन भारत के नाम से जो आपकी बुक्स है, तो इसके हम लोग अभी तक 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ये आपका 5वां चैप्टर है। 5वां चैप्टर हमारा क्या है? प्राकृतिक वनस्पति तथा वन प्राणी। तो चलिए इसे हम लोग पढ़ते हैं। याद रखिए, इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आ रहे, बस आपको बड़े धैर्य के साथ सुनना है या फिर पढ़ना है, ठीक है? क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या फिर आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियां, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या फिर अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आपने अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। याद रखिए, कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 8वीं तक की जो भी बुक्स थी आपकी, बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई थी, और उनका हमारा पढ़ने का उद्देश्य था सिर्फ शब्दों को समझना। आपने देखा होगा कि कई शब्दों की परिभाषा बताने के लिए एक पूरी कहानी गढ़ दी जाती थी, लेकिन कक्षा 9वीं से जो आपकी 12वीं तक की बुक्स हैं, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए बड़े फोकस के साथ, यानी कि बहुत ध्यान लगाकर इन्हें पढ़ना है आपको, ठीक है? हमारे देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4वें स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि आपका फर्न हो गया, शैवाल, कवक भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, ताजे तथा समुद्री पानी की मछलियाँ पाई जाती हैं, ठीक है? प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषि कृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो हैं, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है, उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे बाहर भारत के बाहर से आए हैं, उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। उसी तरह से है कि हमारे यहाँ के जो नागरिक, उन्हें देसी नागरिक बोल दीजिए, जो विदेशी हैं उन्हें विदेशी बोल दीजिए। आगे चलते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। धरातल, भूभाग, भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती है? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर पराग कृषि की जाती है। ऊबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन प्राणियों को आश्रय मिलता है। आपने जहाँ देखा होगा, जहाँ पानी की व्यवस्था है, उपजाऊ भूमि है आपकी, वहाँ खेती की जाती है, नॉर्मल सी बात है। और जहाँ नहीं की जाती खेती, ऊबड़ खाबड़ है, वहाँ पहाड़, जंगल, तो आपके जो भी जानवर होते हैं तो उसी तरफ रहते हैं। मृदा, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। फिर आपकी जलवायु, इसमें आपका तापमान, वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती हैं। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में
परिवर्तित करती है। वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषताएं देखिए, उष्ण ये वनस्पति खंड हो गए, ये औसत वार्षिक तापमान डिग्री से, जनवरी में औसत तापमान डिग्री से, टिप्पणी उष्ण 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ये आपका जनवरी में 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक कोई पाला नहीं है समय, उपोष्ण 17 से 24 सेल्सियस, जनवरी में आपका 10 से 18 सेल्सियस पाला कभी कभी, शीतोष्ण ये आपका औसत वार्षिक या 7 सेंटीमीटर से 7 सेल्सियस से 17 सेल्सियस, जनवरी में औसत -1 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस तक कभी पाला कभी बर्फ इस समय, अल्पाइन 7 सेल्सियस से कम, यहाँ आपका -1 सेल्सियस से कम बर्फ। बात करते हैं सूर्य का विकास, किसी भी स्थान पर सूर्य के विकास का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। वर्षण भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी कि जून से सितंबर तक एवं पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? वन नवीकरणीय योग्य संसाधन हैं और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु मृदा प्रदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। कौन वन? ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनमें मृदा को जीवाश्म मिलता है और अन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन क्षेत्र कम हो रहा है यानी कि वन खत्म हो रहे हैं। परियोजना कार्य अपने स्कूल या गली मोहल्ले में वन महोत्सव का आयोजन करो और वृक्षों की पौध लगाओ, उनकी देखभाल करो और देखो वो विकित कैसे बढ़ते हैं। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत में बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ आगम क्षेत्रों को छोड़कर जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या फिर संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। बात करते हैं, यहाँ देख ली इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.05%। अब बात करते हैं वनस्पति के प्रकार की। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। याद रखिए इसलिए आपको करंट पढ़ने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये रिपोर्टें बदलती रहती हैं और जब वेट कर रहे हैं तो जो नई रिपोर्ट आएगी उसमें नए आंकड़े आएंगे तो वहाँ आप लोग अपडेट होते रहिए। ये किताबें पढ़ने का मेन उद्देश्य हमारा सिर्फ बेसिक क्लियर करना यानी कि अपनी नींव मजबूत करना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियां, पर्वतीय वन, मैंगो वन ये आपके वनों के प्रकार हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लक्षद्वीप हो गया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट पर सीमित हैं। ये उन क्षेत्रों में भलीभांति विकसित हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा
एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष की 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ उगती हैं। और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। इसी कारण इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आपके अबनूस, हिबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और ट्रिंकोना है। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण है। एक सींग वाले गैंडे आपके असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। एक बार इसे देख लीजिए, मानचित्र में देख प्राकृतिक वनस्पति, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है आपकी। ये आपकी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये पर्वतीय वन, ये आपके मैंगो वन, ये उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। तो ये आपके क्या है, ये है आपके, देखिए ए ए ए ये आपके हैं पूरे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का क्षेत्र है। ये आपका है पर्वतीय वन और ये आपका है मैंगो वन। देखिए यहां भी आपका मैंगो वन। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के आपके पक्षी जैसे आपका चमगादड़ तथा कई रहने वाले जीव भी पाए जाते हैं। पर आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है आपके। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी ये पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, तथा ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवे, कुसुम, अर्जुन तथा सहित तूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा आपकी 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रयास, सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए जाते हैं और कुछ भागों में पशु चारण भी होता है। ये आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ठीक है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः आपके सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी जैसे छिपकली, सांप और कछुए भी आपके यहाँ पाए जाते हैं। फिर आपके कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं जिनमें आपका गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया, खजूर, यूफोरविया तथा नागफनी यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियाँ प्रायः छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कंटीले पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि पानी कम बाहर वाष्पीकरण के द्वारा उड़ सके क्योंकि पानी की कमी यहाँ होती है। इस तरह के कंटीले वन झाड़ियाँ होती हैं।
राजस्थान तरफ आपके पानी की जहाँ कमी है तो इस तरह की आपकी होती है। ठीक है, इन जंगलों में पुरा चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। पर्याप्त के पर्वतीय वन, पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से जो टुंडा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। ये आपके पर्वतीय वन है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आद्य शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्पूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। एवं प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत की अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रयासीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रयास 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले ली थी। सिल्वर फर, जूनीपर, पाइन, बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष। जैसे जैसे हम रेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप में के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसे गोमक्खड़ जातियों द्वारा सुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लेचन घास, टुंडा वनस्पति का एक भाग। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामेघ, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, वृक्ष, आइबेक्स, कहीं कहीं आपका लाल पंडा, घने बालों वाली भेड़ और बकरियां पाई जाती हैं। ठीक है, फिर आपका मैंगो वन, यह वनस्पति तटीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आता है की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंगो बेवन एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबती रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति आपकी मिलती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्यूड़ा, बेंगार के वृक्ष भी इन भागों में आके पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इस जंगल में मिलते हैं आपके। ये आपके मैंगो वन है। अब बात करते हैं वन्य प्राणी। वनस्पति की भांति भारत के विभिन्न प्रकार के प्राणी संपत्ति में भी धनी है। जहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं आपकी। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियां हैं जो विश्व की लगभग 12% हैं। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप, स्तनधारी जानवर भी आपके पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह आपका असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः आपके जंगली गधे और ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मेरक तथा विभिन्न प्रकार प्रजातियों वाले हिरण आदि को छन्न जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। या बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था, याद रखिए। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक आवास
वास स्थल गुजरात में के गिर जंगल में, बाघ मध्य प्रदेश झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है, यहाँ से शिकारी जानवरों में मुख्य हैं। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय वारहसिंगा, भारल, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग, तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पंडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में आपके कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजातियों का एक ऐसा प्रतिनिधित्व निधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आदि क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधे के निचय से। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवरों में हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधनों के रूप में मदद करते हैं। इनसे हमें मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है तथा उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन हो गया। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफी वन जीवन प्रजातियां भी संकट में और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थिति तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। देश में 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नागरिक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पचमढ़ी और अचान कमर, अमरकंटक की गणना विश्व के जैव मंडल निश्चय में होता है। ये याद रखिए, आपके बदलते रहते हैं, इन्हें आप लोग स्थायी मत माना करिए। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्योगों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं, 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभयारण्य, कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति के लिए रक्षा के लिए बनाए गए। हम सभी को अपनी अति जीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। अभी जो हम लोगों ने घटना चक्र देखी हुई थी, समसमाय की घटना चक्र, उसमें पूरा करंट आपका अपडेट की हुआ है। वनों से संबंधित जो रिपोर्ट है आपकी, जो शेरों की गणना हुई है, जो बाघों की गणना हुई है, जो हाथियों की गणना हुई, तो वहाँ कवर कर ली जाती है। ठीक है, तो करंट पीएस में जो समसमाय के नाम से बना हुआ है प्लेलिस्ट सूची, उसमें सब कुछ कवर किया गया है, आप लोग देख लें। 18 जैव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र या फिर सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नागरिक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, देहांग दिवांग, डिब्रू, साइकोवा, अगस्तमलाई, कंचनजंगा, पचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंठ, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान,
शेष अचलम पन्ना। भारत में कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस में बहुत संख्या में आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है, जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है। वहां लाल समुद्र, सुंदर कलंगी, बाली, फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आते हैं। खारी कीचड़ के ढेर में बनाकर उनमें घोंसले बनाते हैं और बच्चों को पालती हैं। देश में अनेक दर्शनीय स्थल दर्शों में से यह भी एक है। आप अगर इलाहाबाद गए होंगे, गंगा नदी में जब आप लोग गंगा घाट पर जाते हैं तो वहाँ भी इस तरह के जानवर आपके पाए जाते हैं। एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, औषधीय पादप। प्राचीन भारत प्राचीन समय में अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 200 सॉरी 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो नियंत्रित प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ में ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप। सर्पगंधा, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह रोग में सहायता करता है। अर्जुन, ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबूल, इसके पत्ते आग की फुंसी के लिए लाभदायक है। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम, जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप जुकाम जुकाम खांसी की दवा में प्रयोग किया जाता है। कचनार, फोड़ा, दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कच्ची पाचन शक्ति में सहायक होती है। करीब ठीक है, यानी कि आप वैद्य भी बन जाएंगे इससे। समझ में आए? ये आपके कुछ वन प्राणी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य, नेशनल पार्क है, इन्हें देख लीजिए। पेरियार, लाल जो रंग है ये आपका वन प्राणी अभयारण्य। ये आपका मुंडू मलाई बांदीपुरी आपका नेशनल पार्क है। रंगाडीत, ये आपका पक्षी अभयारण्य है। बेदान थंगल, ये आपका पक्षी अभयारण्य है। क्विंडी, ये आपका नेशनल पार्क है। अट्टू नगरम, पोचेरम, कवाल, संजय गांधी आपका नेशनल पार्क है। गिरा आपका नेशनल पार्क है। तदुआ, कान्हा, सिमलीवाल, राजगीर, शिवपुरी, रणथंबोर, केवला, देवगाना, कॉर्बेट, राजाजी, दुधवा, मानस, काजीरंगा, दाचीग्राम। एक बार क्या करिए कि इसको आप लोग करंट में आप देख लीजिए, क्योंकि ये बदल चुके हैं। वह मध्य प्रदेश में करीब 9-10 के करीब हो गए, तो इसमें आपके नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये था आपका पांचवा चैप्टर, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन प्राणी। इसी और सब्जेक्ट से ये आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चन दिए गए इसी चैप्टर से संबंधित। ठीक है, और जो आपकी पीडीएफ थी वो टेलीग्राम पर डाल दीजिए, उसे अपने पास रख लीजिए। कभी टाइम मिलता है तो उससे अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, बस निकल जाइए। अगला हमारा अध्याय होगा जनसंख्या के बारे में। इसे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि 2021 के पहले जो भी पेपर होते हैं आपके, जब तक नई जनगणना के हमारे आंकड़े नहीं आ जाते हैं, तब तक ये आंकड़े आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले। और इनमें जो बेसिक है जनसंख्या से संबंधित जानकारी, उसमें भी हम लोग देखेंगे। ठीक,